आखिर क्या पर तो आज खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल वर्ल्ड। तो जैसे कि हम अपने इस छोटे से एरिया में रहते हैं, है ना, नेदर में भी हम पास पास में रहते हैं, तो आज हम जाने वाले एक्सप्लोरेशन पे। तो आज हम अपना वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने रख रखी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ और चाहिए तो नहीं। हाँ, ये सिल्क टच वाली पिकैक्स मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वैसे खतरनाक है, बताइए, हार वगैरह गया तो वैसे जाएगी। मैं वुड और वूल भी मेरे को बड़ी सारी चाहिए। ये वुड चाहिए मेरे को, ये भी वुड चाहिए, और वुड और हमको चाहिए होगी तो मैं एक्सिस लेके जा रहा हूँ। दो बेकार वाली चाहे हो तो मैं इससे काम सार लूँगा। और हमको क्या चाहिए, ब्लॉक्स भी मैं ले जा रहा हूँ। बुक लीड चाहिए हमको, स्टिक्स भी ले जाते हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बेड जो कि बहुत ज़रूरी है, वूल। एक बार हम ना अपनी सारी की सारी शीप्स को शीयर करके जाएंगे, ठीक है। तो शीयर मेरा कहाँ पड़ा है, शीयर ये रहा, तो शीयर को ले, फिशिंग रॉड को ले जा रहा हूँ यार मैं साथ में। मेरे पास कोई एरोस और पड़े हैं तो मैं ले जाता हूँ, एक बार देखते हैं एरोस पड़े हैं कहीं, नहीं तो और कुछ। एरोस एरोस एरोस, मैं डायमंड की चीज़ें भी नहीं ले जा रहा हूँ वैसे, तो लूँ मैं इनका क्या करूँगा वैसे भी मैं। और ग्रेविटी रेजिस्टेंट ब्लॉक्स भी मैं थोड़े से लेके जा रहा हूँ, स्टैक ही लेके जाते हैं एक, इनको मिक्स करते हैं। और क्या ज़रूरी है, टॉर्चेस। मैं पूरा स्टैक भी नहीं ले जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ 52, पूरा स्टैक नहीं है पर करीब करीब है स्टैक के। एक फेंस चाहिए मेरे को, कोई मिल गया तो। लीड भी है ना मेरे पास, यार लीड एक तो नहीं थी मेरे पास वैसे, सही बोलूँ मैं तो, लीड और भी होनी चाहिए। ये देखो चार और लीड्स पड़ी हैं, तो मैं लेके जा रहा हूँ इनमें से एक और फेंस हम बना लेंगे। हम चीज़ें लेके जा रहे हैं, वैसे रात हो रही है, एक बार सो लेते हैं। तो आर्मर मेरे पास सारा सही है ना, हाँ ठीक ही है। मैं एन्चेंटेड भी नहीं, मैं ले जा रहा हूँ अभी। और यार लास्ट टाइम मैंने आपको कह तो दिया था है ना, और वाटर बकेट में मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, काम आएगी। तो इसको यहीं पर दो नहीं मारेंगे हम इसको, लीड पड़ी है हमारे पास चार पाँच। तो एडवेंचर की शुरुआत हो रही है हमारी। और यार शेयर करना कैसे भूल सकता हूँ मैं, अभी भूल जाता मैं शेयर करना। मेरे को बेड बनाने पड़ेंगे बड़े सारे, क्योंकि अगर कंपस से मेरे को कुछ ना समझ आई तो मैं बेड्स को फॉलो करके आ सकता हूँ। मैं बेड जहाँ पे भी लगाऊंगा वहाँ पे लगे रहने दूंगा। ऐसे ही कहेगा अगर मैं हार भी गया तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रीच पाऊँगा। शीयर शीयर हाँ, पर वो शीप शीयर। और कोई शीयर होने के लिए बची है भाई, गर्मियों का मौसम आ रहा है, शीयर हो तुम्हारे इधर गर्मियों का मौसम है ना, शीयर हो जाओ। और कोई शीप नहीं बची तो चलते हैं। आयरन की शॉर्ट भी ले जा रहा हूँ मैं साथ में, जो कि हमेशा लेके जानी चाहिए, मॉब्स क्या पता कब हमला कर दें। और मैं होप करूँगा कि मेरे को कोई विलेज मिल सके, और कोई भी शीप रास्ते में मिलेगी उसको मैं शेयर कर दूँगा। मैं बेड लेके जा रहा हूँ साथ में, और बेड बना लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। क्राफ्टिंग टेबल ले जा रहा हूँ, क्राफ्टिंग टेबल तो ले जा रहा हूँ, फर्नेस भी हम बना सकते हैं बाद में ज़रूरत पड़ी तो। यार मेरे को मेनली ना आपको ये वाला फार्म दिखाना था। वैसे तो मेरा ये जड़ा है ना पीछे वाला, ये तो आपको पता ही है काम करता ही है, तो इसको हम अभी रोक देते हैं। अभी 19 XP मेरी देख सकते हो आप, और ये एक स्टोन लेते ही 20 होगी। इनने लेवल अभी देखे हैं स्टोन से, क्योंकि इनने सारे स्टोन बन चुके हैं अभी। ऐसे ना स्टोन भी बन रहे हैं मेरे, कोबल स्टोन कुछ काम में आ रहे हैं, ऐसे अच्छा डिज़ाइन लगेगा इनका, वरना बहुत वेट करनी पड़ती है इनके होने की। तो हम इसी साइड को सीधा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड बड़ा है। तो हम स्ट्रक्चर ढूंढने का कोई ट्राई करेंगे मेनली, तो रात होने से पहले भी। खाना हमारे पास बहुत सारा पड़ा है, इनको भी शेयर कर लेते हैं, इनको भी। वो हमारे पास डैमेज वाला, पर एरोस भी तो दो ही हैं, उसका क्या जा रहा है। मैं सही बताऊँ ना, अपने वर्ल्ड से कभी भी नहीं आया इतना दूर, जो पहले वाला था उसमें भी नहीं आया था जैसे आपको पता है।
ऑफलाइन में थोड़ा सा दूर गया हूँगा मैं भी, पर ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, क्योंकि ना वहाँ पे आसपास पानी होता था। ये क्या केव नहीं एक्सप्लोर करने यार, केव तो बड़े सारे हैं मेरे घर के पास, उनको एक्सप्लोर करूँगा करने होंगे तो। अभी हम ट्राई करेंगे कोई विलेज वगैरह ढूंढने की, हमारे घर के पास वाली विलेज तो ज़ॉम्बी विलेज बन चुकी है बहुत पहले से ही, बहुत आगे आ चुके हैं, वैसे ज़्यादा भी दूर नहीं है। चलते हैं यार, चलते जाओ चलते जाओ। बस ट्राइडेंट वाला बंदा ना मिल जाए यार, अब मेरे को कोई यहाँ पे ट्राइडेंट से और ही कहीं फेंकने लग जाए मेरे ऊपर। फिर मेरे को ना स्लाइम्स की भी ज़रूरत है, अगर मेरे को स्लाइम वाली बायोम मिल गई ना, वो शायद से स्वैम्प में होते हैं स्पॉन, तो मैं उनको ज़रूर मारूंगा। मेरे को स्टिकी पिस्टन की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई नहीं, छोटा सा ही है। मैं कहने वाला था यहाँ पे कोई रेवी ना क्या, यहाँ पे सारा एरिया कवर्ड पड़ा है। इस शिप को भी हम शेयर करेंगे इसने, क्योंकि यहाँ का एक ग्रास ब्लॉक काट लिया है, हम मारते नहीं है शिप को, शेयर लेके आए हैं इसलिए साथ में। और नीचे देख के क्या चल रहा हूँ, आगे चलो नज़ारा देखेंगे हम यहाँ वहाँ का। अरे यार शिप्स तो यहाँ पे बड़ी सारी हैं, मेरे को ब्रीड करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे घर के पास। ये शिप मेरे को रास्ता दिखा रही है, इसके पीछे चलें, मैं इसको घास खानी है अपनी, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखाता यहाँ पे, मैं खुद ढूंढ लूँगा अपना रास्ता। मेरा कंपास कहाँ पॉइंट कर रहा है वैसे, ठीक ही है ना। हाँ वहाँ पे शुगर कैन है, पर मेरे पास पूरा शुगर कैन का फार्म पड़ा है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को कोई विलेज चाहिए सही बताओ तो, यहाँ कोई डेजर्ट बायोम की डेजर्ट टेंपल मिल जाए, डेजर्ट टेंपल। वहाँ पे सीड गिरे पड़े हैं जो कि मेरे को चाहिए नहीं है। चलो यार चलते हैं अगली तरफ, तो कब तक पानी में ऐसे घूमते रहेंगे। बहुत दूर जगह होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर ज़्यादातर, वुडलैंड मेंशन तक ना मंजू पता नहीं कितना दूर होता है वो भी है। कौन से 10,000 ब्लॉक्स के करीब करीब दूर होता है वो, तो भी मैं जंगल से मैं आ चुका हूँ। वैसे मेरे घर के पास ना बर्फ वाले ट्री नहीं मिलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ तोड़ना लूँ इनको, मैं वाटर बकेट से तोड़ूँगा। सैपलिंग मिली, हाँ अब इस सैपलिंग को हम अपने घर के पास उगा सकते हैं। ओक लोग हैं मेरे पास वैसे, ओक के प्लांट्स देख, स्प्रूस है ना ये तो, ओक के भी शायद से पड़े होंगे, फिर भी तोड़ लेते हैं। तोड़ो भाई तोड़ो, सैपलिंग चाहिए सैपलिंग, एप्पल भी मिल जाएगा वो भी ठीक है। यार मैं गोल्डन एप्पल भी तो ला सकता हूँ, मेरे पास कितने सारे गोल्ड थे, मैं थोड़े से पेड़ों को लेता हूँ। शीयर से तोड़ने पे तो हमको यही मिल जाएगा ब्लॉक ही। ओए मनहूस ट्री एक भी सैपलिंग नहीं दे रहा, रहने दो यार, हमारी किस्मत में सैपलिंग नहीं दिखा। आगे चलते एडवेंचर पे। वुल्फ नहीं यार, मैं बोन नहीं लेके आया, मैं इसको गलती से भी मारना नहीं चाहता हूँ सही बताओ तो। आसपास भी कोई होएगा तो आ जाएगा मेरे को मारने, वरना मैं कहीं ना कहीं से बढ़ के जा ही जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। ये क्या हुआ, गेम में लैग आया था, रुक गई थी गन से। ग्रेवल है यहाँ पे तो बस भाग भाग के जा रहे हैं हम। खाना खा लेते हैं पहले थोड़ा सा। बनीस 20 यार, ये 20 बड़ी सही चीज है, मेरे को अभी तक नहीं मिली यहाँ का ना। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में लेके जाऊँगा मैं इनको। स्क्रीन शॉट ले लिया मैंने यहाँ का, 20 मैं तुमको बाद में लूँगा, अभी तो तुम एग्रो हो जाओगे मेरे ऊपर। मेरे पास सिल्क टच की पिकेक्स भी पड़ी है वैसे, मैं इनको भी आई ले जा सकता हूँ, पर पता नहीं अंदर कोई आया भी कि नहीं, उसके लिए पता नहीं क्या करना पड़ता था इनको बाहर लाने के लिए, मैं भूल गया हूँ। चलो स्क्रीन शॉट ले लिया, कभी फ्यूचर में आएंगे मैं इन 20 पे बनाएंगे एक एपिसोड भी।
ऐसे यार एक्सप्लोर करना चाहिए अपना वर्ल्ड वैसे सही में, पता नहीं क्या क्या मिल सकता हमको। घर के 2-3 किलोमीटर दूर जाके कम से कम हो क्या पता कुछ ना कोई नई चीज, जैसे कि कोई विलेज अगर किस्मत होगी तो होएगी पक्का। भागता भागता जा रहा हूँ मैं, आधी से ज़्यादा टाइम लैप्स बन जाएगी वीडियो शायद से। कोई नया बायोम नहीं आ रहा यार, एक ही बायोम में घूम रहा हूँ मैं, रात का टाइम भी होने वाला है। ये कड़ा टाइगर बायोम है ना ये, या नहीं भाई ये न्यू बायोम है? नहीं यार ये तो स्प्रूस ही है, ये तो मेरे वाले घर जैसा ही है बायोम ये वाला। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हम किसी बंद जगह में बनाएंगे। शवल भी ना मैं नीचे रख रहा हूँ, वैसे रख रहा हूँ मैं, किसकी जगह रखूँ, किसकी जगह रख लेते हैं टॉर्चेस की जगह। हम वैसे पूरी पूरी चीज़ें लेके आए हैं, जितना टाइम चाहे हम इधर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, हम पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर वर्ल्ड एंड ना ढूंढ लिया हम वर्ल्ड, वैसे होता नहीं है नॉर्मल वर्ल्ड का मेरे ख्याल से, हो भी सकता है मैंने कभी चेक नहीं किया, पता नहीं कितना दूर होएगा। कई मिलियन ब्लॉक दूर होएगा पक्का, अगर होएगा तो भाई न्यू बायोम्स मिल रही हैं हमको। विलेज विलेज, इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और यहाँ पे कोई रवीन तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, अरे यार प्लीज़ ये मत कहना ज़ॉम्बी विलेज है, ज़ॉम्बी विलेज नहीं है, ज़ॉम्बी विलेज नहीं है, ज़ॉम्बी विलेज नहीं है, ज़ॉम्बी विलेज नहीं है, मेरी विलेज। और यार इस वर्ल्ड में ना आयरन गोलम्स नहीं स्पॉन होते, तो अगर ऐसी जगह पे अगर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए ना तो ये ख़राब हो जाएंगे विलेजर, मतलब पहले जैसे ठीक नहीं रहेंगे। भाई इतनी खुशी, अरे यार ये तो बच्चा है क्या? अच्छा नए बंदे को देख के शायद से इनको ऐसा होता है। मैं इनके भी चेस्ट लूटना चाहता हूँ, देखे जरा इसके अंदर है कोई कि नहीं। ओ भाई ओ हेलो, सो गया यार ये तो यहाँ पे आके बस। क्या भाई कौन मार रहा है? सो भी नहीं पा रहा हूँ मैं सही बताऊँ तो, इस बेड पे सो गया। नहीं भाई मेरे को कोई ये बताओ मेरे को पीछे से मारा किसने, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ सही में। क्या भाई जब कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, मैं पहली बार इस अपडेट में कोई ढूंढ रहा हूँ ऐसी जगह, इनको अच्छा नहीं लगा क्या? अभी तक तो मैंने इनका बेड वगैरह भी नहीं चुराया। आयरन गोलम्स हैं यार यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह ही है। स्क्रीनशॉट लो एक और, बैल्कनी, इनके हम चीज़ें चुरा के लेके जाएं पहले। गलती से भी अगर भाई किसी को हाथ लग गया ना तो मैं तो गया। अरे यार ये अच्छा, ये तो फॉल डैमेज ही थी ना, फूड सोर्स की तो वैसे भी नहीं कमी होने वाली उनको। टेस्ट तो है नहीं यहाँ पे कहीं मिल रही। स्वैम्प, अरे यार यहाँ पे विच भी तो होगी ना फिर, यहाँ पे आयरन गोलम है इसलिए अभी तक बचे हुए हैं सही बताओ तो। यहाँ से रेल सिस्टम वगैरह बना के ना मेरे को ले जाना पड़े, और मैं इनका वीट वगैरह नहीं तोड़ रहा। और अरे यार ये क्या न्यू टाइप के हैं वैसे? गाजर, मेरे पास गाजर नहीं है सही बताऊँ तो, बाकी सभी चीज़ों का फार्म है। मैं इनको वापस उगा के भी दूंगा, मैं इतना गंदा बंदा नहीं हूँ। लो भाई तुम्हारी गाजर उगा के भी दूंगा मैं, चोरी नहीं करूँगा पक्का, इसलिए गोलम तो मेरे को मारियो मत। ये क्या गायब होगी? कोई कबार बार जनाना है तो मतलब ग्लिच चाहिए इसका कोई। अरे यार मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, जो मैं सोच रहा था हमारे साथ वही हुआ, एक विलेज मिल गई हमको, बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को। यहाँ पे वाइन्स है, जंगल ट्रीज हैं, वेल है, सारा कुछ है।
इस फार्मर से यार मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ भाई, प्लीज गलती से लगवाना लियो, अपने आप को चोट देखते हैं भाई। 22 कैरेट्स में ये हमको एमरल्ड दे रहा है, एक की कमी है बस। चल भाई तू पोटैटो वगैरह तोड़ ले। यार मैं ऐसा ये बताऊँ ना, मेरे को एक भी चेस्ट नहीं मिली इनके यहाँ, ये मेरे को बड़ी ख़राब बात लग रही है। अब थोड़ा सा टाइम तो ना मैं यहीं पे गुजारने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से दो विलेजेस अटैच्ड हैं, एक नीचे की साइड वाली, एक ये वाली। क्लैरिक है ना ये, तो ये क्या ट्रेड कर रहा है अगली ट्रेड में? यार इसके कोई मैप है बड़ा सही, पेपर के बल्ले यार ये ट्रेड कर रहा है, मेरे को लाना चाहिए था बड़ा सारा पेपर। चेस्ट भी है इसके घर के अंदर, चेस्ट लेंगे हम, देखते हैं। पेपर भाई पेपर, अननोन मैप, इन्हें सारे को क्या करेंगे हम, ब्रेड ले लेते हैं। वैसे यार ये मैप इसमें काम करते हैं मेरे अले वर्जन में, या कोई ग्लिच है? कोई ग्लिच आ रहा है देखो यार ये मैप्स में मेरे। चलो कुछ नहीं होता, शील्ड लगा के रखते हैं। किटन यार, ब्रूइंग स्टैंड है इसके पास। यार ये क्या ट्रेड कर रहे हैं, ब्लेज रॉड्स ट्रेड करते हैं क्या? रॉटन फ्लैश में यार ये ट्रेड कर रहा है, यार पहले बता देता। मेरे को विलेज मिल गई है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, कभी ना कभी वापस यहाँ पे ज़रूर आना पड़ेगा। मैं यहाँ राजा, आगे समझ में सबके, सारे मेरा हुक्म माना करो। यार बड़ी सही विलेज आती सी यार, मैं एक बार वाटर बकेट ट्राई करूँ ऐसे कर पाऊँगा तो नहीं यार, लाते टूट गई। इसके लिए प्रो होना चाहिए थी कुछ ज़्यादा ही, मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं की आज तक। ये वही वाली है चेस्ट के, और कोई है? वही वाली है। इसका दरवाज़ा फिर खुला रहने देता हूँ, तूने बंद क्यों किया, मेरे को कन्फ्यूज करता है। चेस्ट एक और, तो ब्रेड से इसमें पोटैटोस भाई तुम अपने पास रखो, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, बेक्ड वाले लाया हूँ, चाहिए तो ले लो। गोल्ड नगेट का क्या करना, एक काम करते हैं, इसका वर्ड को मेरे को लेके जाना है। अरे यार बिल्ली मत डर, तेरे को नहीं कुछ कहूँगा मैं अच्छा बंदा हूँ। हे बेल भी तुम अपने पास रखो, मैं ज़्यादा चीज़ें चोरी नहीं करूँगा तुम्हारी, मेरे पास बहुत सारा सामान पड़ा है। ऊपर की साइड तो यार इनके कोई चेस्ट होती नहीं है, वैसे बैल्कनी होती है बस। हेलो भाई कैसे हो सारे, बैल्कनी से तुम्हारा राजा तुमको देख रहा है। ये सारा एपिसोड तो ना आगे का मैंने विलेज में गुजारना है, इस होम को मैंने चेक नहीं किया शायद अभी तक। एनी चेस्ट? नहीं भाई मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, तेरे पास चेस्ट नहीं है। इस घर के अंदर मैं आ चुका हूँ, थोड़े से ना मैं ये वाले तोड़ के लेके जा ही रहा हूँ। ये वाले तोड़ लेते हैं इसकी, अब हम घोड़ों को भी ब्रीड करा सकते हैं, जो कि शायद से गोल्डन कैरेट से होते हैं ना, घर जाके अब हम कैरेट भी उगाएंगे। याहू, अरे बड़ी सही सही चीज़ है तुम्हारे पास तो। हेलो भाई तो अपनी ट्रेड बताइए ज़रा। भाई यार देख ऐसा मत कर, गाजर में ट्रेड मत कर, पहले मेरे को उगानी पड़ेंगी। भाई इनके पास घोड़ा भी है छोटा, बड़ा घोड़ा भी है, पर यार स्वैंप में मेरे को विचिस का पंगा है। मेरे घर के पास एक विच स्पॉन हुई थी, उसने से आपा सा मार डाला था, मार तो नहीं डाला था मतलब पंगे से ज़्यादा ले लिए थे उसने। ये किस टाइप का विलेजर है यार, इनको क्या कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। ये ट्रेड भी नहीं करते अभी, इनके पास कुछ है भी नहीं ऐसे।
वेले बैठे हो भाई, कोई काम कुम कर लो। मैं देखो कितना सही काम कर रहा हूँ तुमको लूटने का। तुम अगर कोई काम ही नहीं करोगे तो मैं लूटूंगा कैसे हैं? क्या करे यार फिर। आयरन गोलम यार यहाँ पे स्पॉन हुआ हुआ, ये चीटिंग बात है। मेरे उधर क्यों नहीं होता? यानी कि मैं खुद के आयरन गोलम नहीं स्पॉन कर सकता हूँ, ये जिन्हें मर्जी कर लें। मैं इधर स्पॉन पॉइंट सेट करूँ और ये बेड लेके जा रहा हूँ। वाइट बेड तो मिलते रहते हैं, वादू पड़े हैं। अरे यार मेरे पास सैडल भी नहीं है ना, वो फिशिंग से ही लानी पड़ेगी मेरे को। और ऊपर से मैं पानी के अंदर गिर गया यार। मैं ऊपर चढ़ के ना एक बार ये वाटर ट्रिक एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस से बनते हैं परफेक्ट बंदा। पर मैं कैरेट नहीं खाऊंगा गलती से भी। और यार ये आयरन गोलम को ना लग जाए, मैं इस साइड को जाता हूँ। भाई लग गया, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं था पर लग गया। अब मेरे को कंपस का काम आएगा, सही बताऊँ ना आपको। कैरेट की जगह लूँगा मैं कंपस। कैरेट गलती से मैं खाना चाहूँगा एक चीज। कंपस पे भरोसा कर सकते हैं क्या हम वैसे? चलो यार चलते हैं। अब तो ना वैसे ये वीडियो में भी कैप्चर हो ही चुकी है विलेज, मजा आएगा। इसके लिए ना यार मैं थोड़े से एमरल्ड पोटैटोस ऐसी चीजें लेके आऊंगा ट्रेड के लिए बाद में। भाई सही स्पॉन पॉइंट बता रहा है ना ये, गलत ना बता दे यार। क्यों मैं तो इसके भरोसे जा रहा हूँ बिल्कुल। और ये बेरीज हैं क्योंकि ये टाइगर बायोम है पक्का मेरे वाला जहाँ पे मैं रहता हूँ। पर ये जैसे बीच में गैप आया था ना एक और बायोम का, ग्रीनलैंड्स बायोम कहते हैं शायद उसको। हाँ ये देखो ये आगे ग्रीनलैंड्स बायोम के हरा भरा है। यहाँ पे लाइट ग्रीन, वहाँ पे डार्क ग्रीन, यहाँ पे स्प्रूस के, वहाँ पे ओके, ऐसी चीज़ें हैं। भाई ये हॉरर सी स्केरी सी साउंड सुना आती रहती है मेरी गेम में। एक तो ये वैसे केव साउंड्स होती हैं, इनको केव में आना चाहिए यार। ये चीटिंग है, ये ऐसे कैसे आ जाती हैं मेरे को बेवजह ही। भाई क्रीपर से ना ढप्पा कर दे एक तो ऐसे जंगल से में। क्या यहाँ पे कोई जानवर मरा था? पर मैं ले नहीं सकता, जगह भरी पड़ी है मेरे पास। और रात का टाइम हो रहा है यार, जल्दी पहुँचा दे घर मेरे वरना मेरे को कहीं यहीं पे डेरा जमाना पड़ेगा सोने के लिए। जल्दी से यार यहीं पे डेरा जमाते हैं और सो जाते हैं। बस ऐसे यहाँ का एरिया क्लियर करते हैं, पहले टॉर्चेस लेते हैं। फटाफट से करना पड़ेगा सारा काम। थोड़े से ब्लॉक्स चाहिए जल्दी से। चलो ये काम तो हो गया है ना, बार मॉब स्पॉन हो जाएंगे यार। पर सुबह तक अगर मैंने जल्दी नहीं किया जो भी करना चाहता हूँ, मेरे को बस बेड की छोटी सी जगह बनानी है ताकि मैं स्पॉन हूँ ना कहीं भी किसी ब्लॉक के अंदर ना हो। बस इतना बहुत है। और तो मैं यहाँ पे एक बेड लगा रहा हूँ और सो रहा हूँ आराम से। चलो भाई सो गया मैं तो। इस बेड को जैसे कि मैंने कहा था यहीं पे लगाया रहने देंगे, जो कि ऑफ कोर्स मैं कर नहीं सकता, मेरे को कोबलस्टोन फेंकने पड़ेंगे पहले। अब हम ये कर सकते हैं, रिस्पॉन पॉइंट सेट किया, इसको तोड़ने का टाइम आ गया। अब जो ऐसा कोई मैसेज आया है ना योर बेड वॉज मिसिंग और ऑब्स्ट्रक्टेड, फिर देख लेना। उधर हो पहले मिल जाते यार तुम,
जब मैं विलेज नहीं गया था। यार ये रैबिट्स, फूल, इतना सुंदर है ये बायोम। मैं सही बताऊँ, मेरे को कंपास चाहिए हाथ में यहाँ पे। मेरे को पता, मैं बहुत जल्दी घर वापस, मैं नहीं बात करना चाहता इसके बारे में, घर जाके मैं उससे बात करता हूँ मेनली। तो सब तो नॉर्मली बातें करते हैं घर, पता नहीं अब पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। घर पहुँचने से पहले और कोई रास्ते से जाते, शुगर कैन ही है तो मेरे को पहले भी दिखा था, हम घर के बहुत करीब है। मतलब पानी के अंदर जब करे फिर, ए पानी के अंदर ही हो। हाँ थैंक यू भाई, कंपास तेरे पे भरोसा कर लिया बहुत, तू गलती रास्ता बताई जा रहा है मेरे को लग रहा है। कितना भरोसा करूँ यार एक कंपास पे, गलत रास्ते ना ले जाइए। ये भाई वाला शुगर कैन है जो मैंने देखा था, इसके आगे सीड भी है जो डिस्पॉन नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की साइड को अभी, नहीं यार ये इस साइड को दिखा रहा पॉइंट, इस साइड को है हमारा घर। यहाँ से अभी डैमेज मिल सकती थी, नहीं मिलगी, भाग के चलते हैं। एक और हॉर्स यार, पर मेरे पास दो हॉर्सेस पड़े हैं, मैं उनको ब्रीड कराता रह सकता हूँ। पहले खाना खा लें, मैं खाना हम किन्ना लेके आए थे। अगली बार ना हम घर के दूसरी साइड जाएंगे अब, ठीक है। घर पहुँच जाऊँगा ना भाई मैं अगले दिन से पहले, कि एक और बार सोने तक नहीं पहुँच सकता। मेरे को लगा मैं पास आ गया हूँ घर के। यार ये सारी जगह मैं से मैं देख चुका हूँ, जिस जगह से आया था ना मैं, सेम रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ। मैं इतना दूर तो नहीं आया था घर से। ये होल से हो रखे हैं, एक तो एक में भी गिर ना जाऊँ कहीं मैं। रॉड को रखे हैं हाथ में, या कंपास को रखते हैं। क्या कहा, पंपकिन, ये किसी एंटरमैन का काम है पक्का। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो आप, तो आपको पसंद आई होगी पक्का ना, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। और कमेंट ना मोटिवेशनल वाले करते रहा करो, जब आप मोटिवेशनल कमेंट्स भी करते हो तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। औसम ऐसी, तो यार मैं इस रास्ते से नहीं आया था, ये कंपास मरवाएगा मेरे को लग रहा है, कोई ग्लिच के साथ तो नहीं चला हुआ कंपास के साथ भी। लामा भाई कहाँ से लेके जा रहा है मेरे को, मैं सही बताऊँ ना मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बस अब इसी के सहारे हूँ, इसी के सहारे जाएंगे हम। ये मेरे को पूरा वर्ल्ड घुमा देगा एंड से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके एंड तक पूरा वर्ल्ड घुमाएगा मेरे को, मेरे को स्पॉन तक नहीं ले जाने। मेरा एक्सीफोन दिखता है मेरे को, सही लेके जा रहा था ये, बस हम एक ऊंचे से हिल से आए हैं, वैसे मैं गया नीचे की साइड से था। रक्सपी फार्म तक भी आ गए हम तो, यहाँ पे शीयर्ड शीप अभी तक घूम रही है मेरी। अगली बार ना हम इस साइड को जाएंगे, ठीक है, जिस साइड को हमारी जॉम्बी विलेज है, जॉम्बी विलेज के आगे जाके देखते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है। ऐसे हमको सारी साइड डिस्कवर करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, उस साइड आई इस बायो में आगे जाके। तो ये पंपकिन का स्ट्रक्चर खुद नहीं बना हुआ, ये मैंने बनाया था भाई। पर मेरे को जड़े विलेजर मिले यहाँ पे लाऊंगा तो ये जॉम्बी विलेजर उनको फैक्ट ना कर दें, मेरे को उनके लिए पहले घर बनाना पड़ेगा, वो भी मैं एक वीडियो में करूँगा। तो यहाँ पे मैंने जगह खाली की थी फिशिंग करने के लिए, और एक बार मैंने अपने जानवरों को ब्रीड भी कराया था लास्ट टाइम माइनिंग पे गया था। और भाई अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बड़े मस्त मस्त से विलेजर आ गए हैं, मैं मारूंगा नहीं, जिंदा रह सकता तू। रिस्पॉन होगा तो मेरे पे गलती होएगी, तो मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट अभी इधर सेट करेंगे बस। और हमको ना अगली बार एक रेल बना के, और ये कैरेट फार्मिंग मैं स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम तक पक्का, शर्त लगा लो आप, मेरे को पूरा यकीन है। ये सारी चीज़ें हम यहीं पे रखेंगे, ये
ये और ये सारी टॉर्चेस यहाँ पे रखेंगे, 11 बहुत है अपने पास रखने के लिए। सैपलिंग रखेंगे, वुड रखेंगे और बाकी के अगली चेस्ट में रखेंगे, और क्या, बस ये प्रोग्रेस रीसेट ना बजे यार। पीला सा बेड हमारा, ब्रेड्स और ये मैप, ये सारा कुछ रख देंगे, सारा कुछ एडवेंचर के लिए जाएंगे और कोई, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी ले जा सकते हैं हम। सिल्क टच वाली पिकैक्स भी रखेंगे, ये वाटर बकेट पड़ती रहती है लोड, इसको अपने पास रखेंगे। शीयर को भी रख देंगे वापस, इसको वापस रख देंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ अगर आप चाहते हो कि मैं नेदर फोर्ट्रेस पहले एक्सप्लोर करूं, तो मैं वो भी पहले कर लूँगा एक्सप्लोर आपके कहने पे। तो यहाँ पे मैंने बेक्ड पोटैटो और बन गए कितने सारे, और एक्सपी देखो भाई तुम 21। तो इनको हम यहाँ पे रख देते हैं, खाना बहुत सारा पड़ा पहले। तो आप मोटिवेशनल कमेंट ऐसे ही करते रहो, मेरे को सपोर्ट देते रहो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।